50 US dollar. देखा था। और ये सब चीज़ें जो आपको इस्लामाबाद में मिलेगी उसमें ये भी है, ये निराले काम सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में होते हैं कि यार जब टूरिस्ट आते हैं ना तो भाई सिर्फ बहुत गंदी बात है, बहुत गंदी बात है यार, उनको हैरस किया जाता है यार। ये चीज़ें रोकनी है, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से कि एक बंदा यार उसे हाथ लगा रहा था यार, बुरी बात है यार, कितना वो हमारे बारे में क्या सोचेगा यार। मुझसे तो बिल्कुल नहीं होगा ये चीज़, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालांकि हवा चल रही है लेकिन गर्मी वाला फील है। बस एक साथ हो, जब आप इस्लामाबाद आए ना, यहाँ का जो टेम्परेचर है अमूमन सब ट्रॉपिकल टेम्परेचर है, तो आपको थोड़ी सी ह्यूमिडिटी फील होगी। तो गुड नून गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ के फैंटास्टिक मोमेंट इन्जॉय करते होंगे। आज की वीडियो, पिछले वीडियोज़ में आपने देखा था हम पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आ गए थे और आपने और भी चीज़ें म्यूज़ियम मैंने आपको दिखाया था और आपने देख लिया था। भाई इस वीडियो में जाएंगे, वीडियो बहुत बड़ी हो रही थी और हमेशा मेरा सीन होता कि मैं वीडियो अच्छी नहीं लगती यार, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, तो बंदा इन्जॉय करे 10-15 मिनट की वीडियो बना ले और इन्जॉय कर ले। बहुत ज़्यादा वीडियो बढ़ती है ना तो फिर उसमें मसले होते हैं। अच्छा, तो आज की वीडियो इस बारे में है कि जाने वाले हैं लोक वर्षा, और लोकवर्सा में कुछ नई चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और मैंने दिखानी है। मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था और मैंने आपको बताया था कि भाई हम ठीक है कोशिश करेंगे कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शंस पे भी चले जाए, कोशिश करेंगे, क्योंकि यार बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरे मुंह से और मेरे ही व्लॉग में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन वाली जगह भी देख ले, तो मैं वो नहीं मिस करना चाहता, चाहे फैसल मस्जिद हो वगैरह हो। तो भाई ये जंगल है, ये मोनूमेंट का एरिया था, मैं इस्लामाबाद आ गया था भाई, ये हर जगह पे जंगल ही जंगल आपको नज़र आएंगे। तो ये मेन एरिया है, पाकिस्तान मोनूमेंट वाला एरिया है, और भाई यहाँ पे जो रोड पे मज़ा है ना, हद लेवल मज़ा है। और इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस नहीं है, जो विलेजेस आप नहीं हैं, और उन जगहों को भी निकालना है और आपको व्लॉग के फॉर्म में देना है। भाई यहाँ पे जंगलात में ये केयर करना है कि किस कभी भी किसी भी जंगल में ऐसे नहीं जाना है, हालांकि खूबसूरती है, आप खूबसूरती के पीछे जाएंगे, लेकिन भाई ये थोड़ा ख्याल रखें, इस पर थोड़ा सा ख्याल रखें, यह आपका भाई कुछ भी हो सकता है, ये इस्लामाबाद है भाई, ये आपकी जगह नहीं है। तो भाई आपने पिछले क्लिप में जो देखा तो बड़ा अफसोसनाक था कि यार यो लोग जब आप इस्लामाबाद आते हैं ना तो ये चीज़ें बड़ी नॉर्मल होगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और हमेशा यार मैं क्या बताऊँ, मैं रिसेंटली जब फैसल मस्जिद मतलब मैंने वीडियो में देखा था तो उसमें भी एक लड़की के इतना उसको हैरेस किया गया था, इतना यार अजीब सा कि यार वो कि मतलब वो भी सोचती होगी यार ये पाकिस्तान है, ठीक है एक तस्वीर अलग बात है, यार मैंने खुद देखा यार एक बंदा उसको हाथ लगा रहा था। तो यार ये सब चीज़ें हैं, ये आपको इस्लामाबाद में मिलेगी, और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इस्लामाबाद में अमूमन ये निराले काम सिर्फ इस्लामाबाद में होते हैं। ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि इस्लामाबाद में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सच में वाकई इस्लामाबाद में होती हैं। और नंबर फर्स्ट पर मैं बात करना चाहूँगा कि जो हैरेसमेंट के केसेस होते हैं ना अमूमन, ये आपको इस्लामाबाद में ही मिलेंगे। लाइक मैं बताता चलूँ कि जो फैसल मस्जिद में रिसेंटली हुआ था, अभी मेरे सामने हुआ कि मैं जब मॉन्यूमेंट में था, आपने क्लिप देखा, तो ये चीज़ें रोकनी है हमने, और चाहे जिस तरीके से भी ये हमने रोक, ये चीज़ें हमने रोकनी है, चाहे हालांकि मुश्किल है लेकिन भाई नामुमकिन नहीं है, हमने रोकना है क्योंकि ये लोग हमारे मुल्क को तबाह करते हैं। तो भाई इन चीज़ों को हमने चाहे जिस तरीके से भी हो, चाहे हमने यूट्यूब चैनल से हो या किसी भी और तरीके से हो, लेकिन ये चीज़ें हमने रोकनी है यार, बड़ा मसला पैदा करेगा, बहुत बड़ा मसला। दूसरी चीज़ ये आम है कि इस्लामाबाद में पठान बहुत ज़्यादा है, और भाई इतने पैसे खर्च करते हैं ना, हाई लेवल के पैसे खर्च करते हैं सच में। मैंने जितने भी लोगों से पूछा है
कि यार इस्लामाबाद में ऐसा होता है वाकई में ये लोग इस तरह करते कि बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते ही। तो उन्होंने हमेशा यही बताया है और हमेशा मुझसे यही ही कहा है कि इस्लामाबाद में जब पठान आते हैं ना बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। तो भाई आप किसी और जगह में आप लोगों को देखेंगे तो इस तरह नहीं होता, लेकिन इस्लामाबाद में आते हैं ना तो पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। दूसरी बात ये है कि यहाँ के लोग अयाश बहुत ज़्यादा हैं, एक पॉजिटिव सेंस में अयाशी के लिए। चाहे फैसल मस्जिद में जाए, चाहे मॉन्यूमेंट में जाए, चाहे कहीं पे भी चले जाए, पैसे बहुत ज़्यादा लगाते हैं इस्लामाबाद में। और मॉडर्निटी के लिहाज से भी कहा जाए ना तो भाई मॉडर्न बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न है। लेकिन इस फर्स्ट बात में मैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ कि यार एक चाइनीज़, हालांकि वो फ़नी थी, फ़नी थी मतलब इतना वो माइंड नहीं कर रही थी। अगर आपने क्लिप में देखा तो उन्होंने सबसे मतलब बड़े हंस हंस के कह रही थी कि यार अगर आप मुझसे तस्वीर खींचना चाहते हैं तो आपने मुझे 5 USD, वो सबको इस तरह कह रही थी ना कि 5 USD 5 USD, मतलब आपने $50 मुझे देने हैं पिक्चर के। तो मतलब अच्छी थी, फ़नी थी, तो इसलिए माइंड नहीं कर रही थी, वरना अगर यार भाई कोई और होता ना तो इसका मुँह तोड़ लेता सच में। और भाई फिर हुआ कुछ यूँ कि एक बंदे ने मुझे लिफ्ट दे दी, और यार इतने मज़े आ रहे थे पूरे रास्ते में कि मैं बता नहीं सकता। इतने फैंटास्टिक रोड्स थे कि यार क्या ही बताए यार, आपको इतनी ग्रीनरी हर जगह मिलेगी कि आपको रियल में स्विट्ज़रलैंड वाला फील आएगा। हाँ कुछ जगहों पे आपको थोड़ी सी गंदगी ज़रूर मिलेगी, लेकिन भाई वो बच्चों का खेल होता है, वो बच्चों के काम होते हैं। लेकिन सच में तो हर जगह बहुत मुश्किल से, लेकिन एक बंदे ने लिफ्ट दी, ये अच्छा काम हुआ और परफेक्ट काम हुआ यार। गर्मी बहुत ज़्यादा थी यार, गर्मी में बहुत मस्ता होता है। अच्छा अभी यहाँ से एंट्री लेते हैं, टिकट है ना, टिकट अच्छा वहाँ से लेना, ठीक। तो भाई यहाँ से अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूँ ना, आप यहाँ पे लोग इस्लामाबाद आते हैं तो आपको ये लोकल मार्केट्स वाकई में लगेगी और आपको विज़िट करनी है। वो लोकल मार्केट आपको एक अलग दिखाऊँगा अलग से। लेकिन भाई चले लोकर से अंदर दुआ की है कि टिकट वहाँ से लेना है, लेकिन यहाँ पे कुछ हैंडीक्राफ्ट्स टाइप है ना वो आपको दे। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी जो हैंड से बनाते हैं ना, ये पत्थर से बनाते हैं, ये पत्थर सीपियाँ होती है। अच्छा वो सीपियाँ होती है ना, समंदर के अंदर जो होती है ना वो उससे बनाते हैं। अच्छा उससे बनाते हैं ना, मुश्किल है यार किसी मतलब ऐसी चीज़ को ढूंढना और फिर उसको बाइंड करना ही बहुत मुश्किल होता है। ये सीपियाँ टाइप होती है, ये रियल सीपियाँ है यहाँ वैसे ही वो बनाते हैं। अच्छा अच्छा यहाँ से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको ये चीज़ें, ये कितने की है एक एक? ये 150। अच्छा